थैंक यू शुक्रिया। ये बिल्कुल वैसी है जैसे जेलीज होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी। और जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इमी और तानी जो हैं वो तबूक से होते हुए पहुँचे थे वादी दिशा, और पहला दिन उन्होंने सऊदी अरब में कैसे एक्सप्लोर किया था, क्या क्या किया था, कौन कौन सी जगहें घूमी फिरी, तो आज हमारा एक तरह से सेकेंड डे है और हम लोग अभी जा रहे हैं अलूला। तो वादी दिशा से तकरीबन 3 घंटे दूर ये जगह है, और अलूला के बारे में मशहूर ये है कि ये एक दौर में कर्ज सिटी होती थी, और अब सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इसको एक तरह से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बना दिया जाए, और काफी हद तक वो मेरे ख्याल से अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो चुके हैं। तो आज हमारा ये प्लान है कि हम अलूला पहुँचे, वी आर ऑलमोस्ट एन आवर अवे, और सबसे पहले हम अपने होटल जाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे हीगरा, एंड वी आर गोना विजिट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हीगरा एज वेल, जिसका नाम मदेन साले भी है। मुझे यहाँ की ओल्ड जो सूक है या ओल्ड टाउन है उसको विजिट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे ये भी देखना है कि अलूला में कैसी है चीज़ें, मतलब इट्स प्रैक्टिकली अ डेजर्ट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बल्कि इसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो हमें विजिट करनी चाहिए, जहाँ हमें जाना चाहिए, और कौन से ऐसे खाने हैं जो इमी और दानी से अभी छुपे हुए हैं और हमें ट्राई करने चाहिए, तो जरूर बताइएगा हमें। लेट्स गो। साढ़े 3 घंटे की ड्राइव करके अलदीसा से हम लोग पहुंच चुके हैं अलूला, और यहाँ पे हमने फर्निश अपार्टमेंट्स जो है वो बुक किए हैं। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि फर्निश अपार्टमेंट सऊदीया में बुक करना सबसे रीजनेबल ऑप्शन है, सबसे अफोर्डेबल है, और ऊपर से आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है, उसमें किचन विचन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की। बस आप चेक इन करने की कोशिश करें, भाई जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकते और मैं अरबी नहीं बोल सकता, तो वो मुझे ऊपर लेके जाएंगे, रूम वूम दिखाएंगे। आज रात के लिए हमारा घर, एंड दिस इज इन अलूला, और हर चीज अलूला में बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक $60, ये तकरीबन $70 का, एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम $70, इट गोज अप टू $900 अ नाइट। में हमें दो रूम्स मिले हैं, वी ओनली जस्ट नीड वन रूम, तो ये है डबल बेड वाला रूम, यहाँ पे अच्छा सा इन्होंने ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। द अदर रूम व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू अस, यहाँ पे डबल बेड है, सोफा है, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द अपार्टमेंट, और इस तरफ राइट पे किचन स्पेस है, तो फ्रिज के बिल्कुल इस कोने पे एक छोटा सा स्टोव भी है, एंड देन दिस इज द टॉयलेट। सो लेट्स गो। अच्छा, तो अपने एडवेंचरस दिन की शुरुआत जो है, जो आगाज़ है, वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक हमें रैप की दुकान मिली है जहाँ पे बहुत मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस मिलते हैं। अच्छा, इनके पास अंडे वाला सैंडविच है, फलाफिल वाला है, चिकन और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। पहले थोड़ा सा पेट वेट भरते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद अपने दिन की जो है वो शुरुआत करते हैं। आ जाए। Your name? माशाल्लाह, अब्दुल करीम। यमन, माशाल्लाह। अच्छा, तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और भाई ने गर्मा गर्म फलाफिल जो है वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, कहने लगे कि तुम ये खाओ उसके बाद ऑर्डर करना, तो मैं सबसे पहले जो है फलाफिल चखूंगा। ओह वाह वाह वाह, ब्रदर वेरी गुड, नंबर वन फलाफिल। भाई जो है इनका नाम अब्दुल करीम है, यमन से ताल्लुक है इनका, और यहाँ पे हमारे साथ अनवर भाई भी है बांग्लादेश के ढाका के, तो अनवर भाई जो है वो हमारे लिए जबरदस्त किस्म के रैप्स तैयार कर रहे हैं। मैंने एक फलाफल वाला लिया है, उसके साथ एक शक्शुका वाला लिया है, और तीसरा एक और कौन सा है, क्या नाम बताया था आपने उसका? अच्छा, कौन कौन से बनाए मेरे लिए जरा बता दीजिए। अच्छा, मुसाफा। अच्छा, एक फलाफल है। I love you.
अच्छा रेस्टोरेंट के अंदर दो भाई जो थे, एक का ताल्लुक यमन से था, दूसरे का बांग्लादेश से, और नहायत अच्छे, बहुत मेहमान नवाज, बहुत मतलब प्यार करने वाले। उनकी एनर्जी जो है ना, वो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल वैसी एनर्जी थी। जैसे ही मैं एंटर हुआ वो हंसी मजाक और कहना शुरू हो गए कि तुम यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हो ये, और वो चैनल का नाम तक उन्होंने पूछा। और मजे की बात ये कि उन्होंने हमें ये तीन रैप्स और एक पानी की बोतल जो है वो मुफ्त में दी है। मेरे बहुत ज्यादा इसरार के ऊपर भी उन्होंने पैसे नहीं लिए, मतलब मैंने बहुत इसरार किया, मैंने बहुत कहा कि खुदा के लिए पैसे ले लें, क्योंकि कारोबार अपनी जगह, मेहमान नवाजी और ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे। और यहाँ पे हमने एक जो है वो शक्शुका वाला लिया है, एक फलाफिल वाला लिया है जो इम्तिसाल के पास, और इनाया जो है यहाँ पे चिकन वाला खा रही है। तो मैं जल्दी से इसको ट्राई करता हूँ, शक्शुका रैप को, बहुत मजे का है। इसमें सलाद है, अंडा बिल्कुल जैसे हम लोग ऑमलेट या खगीना बनाते हैं बिल्कुल वैसी है, और उसके साथ उन्होंने इसमें कुछ सॉसेज इस्तेमाल किए हैं, मेरे ख्याल से मेयो है, तहीनी है और हॉट सॉस भी है। परफेक्ट ऑप्शन है नाश्ते के लिए, खाएंगे थोड़ा सा ताकत आएगी, उसके बाद फिर कॉफी लेते हैं और फिर अपना सफर जो है वो शुरू करते हैं। अलहिजर जाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको आना है विंटर पार्क, यहाँ पे एक कार पार्क बनी हुई है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें। उसके बाद ये मेरे पीछे आप लोगों को इस वक्त बसेस नजर आ रही होंगी, ये बसेस आपको लेके जाती हैं जो हिस्टोरिकल साइट है, और फिर वहाँ से आपका सफर शुरू होता है, मुख्तलिफ साइट्स आप विजिट करते हो। और उसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे टिकट ऑफिस बना हुआ है, तो अब हमें भी सबसे पहला काम ये करना है कि टिकट खरीदना है, क्योंकि टिकट नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट ऑफिस की तरफ और देखते हैं टिकट कितने का है। अच्छा, गर्मियों का हिसाब किताब मैं बता दूँ कि गर्मियों में आप सुबह या तो 8 बजे वाली बस ले सकते हैं या 9 बजे, सिर्फ दो बसेस चलती हैं। उसके बाद एक शाम में चलती है जो कि 4:30 बजे चलती है, और फिर तकरीबन 2.5-3 घंटे का जो ये पूरा टूर होता है। ये टिकट ऑफिस बना हुआ है। अलूला आने से पहले मुझे लग रहा था कि हीकर इज अ साइट वेयर यू कैन जस्ट ड्राइव अप टू, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है, यू एक्चुअली हैव टू कम टू दिस प्लेस कॉल्ड विंटर कार पार्क, और यहाँ से बस चलती है दिन में 3 दफ़ा, लाइक दिस इज़ द समर टाइम, इट माइट चेंज। तो 90 SAR की एक टिकट है पर पर्सन, बच्चा फ्री जाता है विच इज़ ग्रेट। तो हम दोनों की 90 और 90 पड़ी है और पीछे बस है, लेकिन यू हैव टू बी 45 मिनट्स बिफोर योर एक्चुअल लीविंग टाइम। तो अगर आपका 8 o'clock का टाइम है, यू हैव टू बी हियर एट लाइक 7:15। तो हम लोग बस पे सवार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अलहिजर, और हमने जो टिकट अभी बाय किया था वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। उन्होंने हमें ईमेल कर दिया था, मेरा ईमेल एड्रेस दिया था, और कुछ इस तरह का जो है वो टिकट दिखता है जब बस के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो ये टिकट आप उनको दिखाते हैं, वो स्कैन करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको बता देते हैं कि आप जहाँ भी बैठना चाहते हैं बैठ जाएँ। तो हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमें पूरी बस जो है वो खाली मिली है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। जल्दी से मैं बस के बारे में बता दूँ कि बस नहायत खुशादा है, मतलब अच्छी साफ़ सुथरी बस है, VIP बस है, AC ऑन है, यहाँ पे टॉयलेट भी बना हुआ है बस में। अलहिजर की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पहुँच चुके हैं, बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ पे एक अलग सा समय, एक अलग सा माहौल है। यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स जो हैं वो दी जा रही हैं, जो लोग हमसे पहले आए हुए हैं दूसरी बसेस में आए हुए हैं उनको भी दी जा रही हैं। अब मेरे ख्याल से हमारी बारी भी है, तो चलते हैं थोड़ी सी चाय वाय पीते हैं। पानी हमें उन्होंने बस में दिया था, तो यही कह रहे थे कि पानी अपने साथ रखिएगा, तो चलते हैं थोड़ा सा वेलकम ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद फिर अपना शुरू करते हैं सफर। Thank you, shukran. Wow, you are interested. ये बिल्कुल वैसी है जैसे जेलीज होती हैं, तो बिल्कुल मतलब वो गमी बेर टाइप का टेक्सचर है इसका, और हल्की सी खट्टी है, हल्की सी मीठी है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सऊदीया की सबसे मज़ेदार किस्म की, जब से हम लोग सऊदी आए हम लोग हर दिन ये बाकायदगी से खा रहे हैं, क्योंकि बहुत मज़े की है भाई। ये
ढेगरा की साइट एक्चुअली बहुत स्प्रेड आउट है और टोटल जो टूम्स हैं जो इन्होंने काउंट किए हैं अबाउट 110-111 टूम्स हैं। तो सेम हमारे पीछे एक बड़ा सा माउंटेन है, इस पर्टिकुलर माउंटेन में 33 टूम्स हैं जिसमें से तकरीबन 30 औरतों की टूम्स हैं और ये टूम्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्होंने बनाई। लाइक लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस कि इनको नंबर 5 बहुत पसंद था, तो बिल्कुल डोर के ऊपर 5 लोटस फ्लावर्स होते हैं प्रीटी मच ऑन ऑल ऑफ द टूम्स और स्टेप्स हैं जैसे एक तरफ स्टेयरकेस बना होगा दूसरी तरफ स्टेयरकेस बना होगा बिकॉज ये लोग एक्चुअली आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे। जिस बंदे ने ये टूम बनाई होगी उसने अपने और अपनी फैमिली के लिए टूम बनाई होगी बिकॉज वो बिलीव करते थे कि हमारी आफ्टर लाइफ हमारी इस लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के टूर गाइड ने ये कहा है कि यहाँ पे नेबटियंस रहा करते थे और नेबटियंस ने ही बनाई है ये टूम्स और 1st century AD में नेबटियंस की पूरी सिविलाइजेशन होती थी यहाँ पे। तो उनका फर्स्ट कैपिटल पेट्रा होता था और उनका सेकंड कैपिटल ये हीग्रा होता था। तो उन्होंने बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेडिंग रूट था यहाँ से बहुत लोग गुजरते थे, ग्रीक्स रोमन्स और इजिप्शियंस और ये इंडियंस ये सारे गुजरते थे यहाँ से, तो इन्हीं टूम्स पे उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस भी है। सो राइट ऑन टॉप ऑफ द डोर देयर इज लाइक अ फेस और उससे दो स्नेक्स निकल रहे हैं। जो लड़की यहाँ पे हमारी गाइड है उसने कहा है ये लोगों को डराने के लिए है ताकि कोई टूम के अंदर ना आए डिस्टर्ब ना करे, मेनली बिकॉज इट्स अ ग्रीक इन्फ्लुएंस। उसके अलावा ये जो कॉलम्स ऑन ईच साइड ऑफ द टूम इसके ऊपर एक क्राउन शेप की चीज है और ये नेबटियन क्राउन रिप्रेजेंट करता है और बेसिकली हर डोर के ऊपर एक ट्राइंगल है उसके ऊपर एक ईगल है लेकिन मोस्ट ईगल्स का सर टूटा हुआ है। They don't know why, maybe because of the earthquake. इन टूम्स के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है जैसे इस ये खाली है, इनमें लोग buried नहीं है but yeah, they're still here from back 2000 years ago. अच्छा यहाँ मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अल हिजर जो है जिसको इंग्लिश में हीगरा कहते हैं या हेगरा कहते हैं ये कर्स सिटी के नाम से जानी जाती है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि 2-3 हज़ार साल पहले जब यहाँ पे कौम समूद और कौम साले जब यहाँ पे मुकीम थी तो यहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब आया था क्योंकि जब प्रॉफिट साले ने दीन की दावत दी थी और दीन की तबलीग दी थी और इस्लाम की तरफ उनको आने को कहा था जो यहाँ पे कौम समूद रहती थी जो बुतों की पूजा करती तो उन्होंने सरासर ये ठुकरा दिया था उनका पैगाम और उन्होंने यही कहा था कि आप कोई मौजज़ा दिखाएं। तो फिर हुआ ये कि एक ऊँटनी जो है वो पहाड़ फाड़ कर निकली और उसी का वो दूध पिया करते थे और सब कुछ करते थे लेकिन फिर आखिर में उसी ऊँटनी को उन्होंने उसकी टांगें तोड़ दी थी चारों और आखिर में उसको ज़िबा कर दिया था और उसके कुछ अरसे बाद हुआ ये कि एक चीख सुनाई दी और उसके बाद कहा यह जाता है कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा अजाब आया कि ये कौम समूद जो है वो नेस्त व नाबूद हो गई। ये मेरे पीछे जो आप लोग ये टूम देख रहे हैं ये लहियान का था जो सन ऑफ कोजा माना जाता है। वी कैन लुक इनसाइड ओके Do any of the tombs have bodies or are they all empty? No, now it's empty all of them because you know that animal, lots of animals here. So. Oh yeah, of course. Do you want to have nice a look? You have a look. Okay. I'm scared. It's nice and cool. You gotta stay cool when you're dead. Yeah, I can go from behind. There's no tension. आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि वंस अपॉन अ टाइम ये पूरी जगह एक कर्स्ड जगह थी और लोग इधर आना पसंद नहीं करते थे बिकॉज इट वॉज कर्स्ड और अब ये मे बी सऊदीया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये उस दौर का कॉन्फ्रेंस रूम होता था, मीटिंग रूम जिसको कहते हैं और यहाँ पे बैठ के वो सारे जितने भी मतलब समाजी और इस तरह के जो भी मईशत के बारे में जो इश्यूज होते थे टॉपिक्स होते थे वो डिस्कस करते थे। जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन जो होती थी वो यहाँ होती थी और यहाँ पे असल में इस जगह बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे आवाज़ जो है वो एको करती है तो एक बंदा जब वो आराम से भी बोलता था तो वो पूरे रूम में आवाज़ जो है उसकी गूंजती थी। और उसके साथ साथ जो नेबटियंस थे वो इतने स्मार्ट और इतने शातिर और इतने चलाक लोग थे कि उन्होंने यहाँ से जो है पूरा एक रेन वाटर का निज़ाम बनाया हुआ था, सिस्टम था पूरा कि पानी जो है जब बारिश वारिश होती थी तो वो यहाँ पे ये जो आप खोल देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर आउट होकर जमा होता था और उसके बाद फिर वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे वो फिर नहाते थे धोते थे या जो भी उनका उस ज़माने में हम जिसको वजू कहते हैं वो करते थे और उसके बाद यहाँ से वो आते थे यहाँ। And you can see this bath that we call the Sikh. There is a lot of niches that they used to do it as a worship places. They was building them God's statues and then they put it here and they pray for them in that time. You will start to see like a virtual reality for the place and how they was using this seating area. Oh, that's crazy. Yeah. Sorry. So they were having like full-on barbecues. Yeah, no, because this is like... जा रहे हैं द सूक द
the old town of Alula, also known as Altira. और मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है और फिर ये छोटी सी डबल डेकर बस आती है आपको लेने। I just want to add कि इस वक्त भी गर्म हवा चल रही है आज, even though शाम में usually यहाँ ठंडी हवा हो जाती है, but it's like गर्म लू चल रही है। बिजली चमक रही है। बिजली चमकी है? वो देखो अभी देखो। हम पहुँच चुके हैं अब ओल्ड टाउन और ऐसी फेरी लाइट्स है, ऐसा माहौल है, लेट्स गो। एंड पीछे मैजिकल माउंटेन्स भी, अलग ही वाइब है यहाँ की। अलूला मेनली फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेग्रा, जो कि हमने दिन में देखी थी। लेकिन इधर का जो ओल्ड सूक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी उसी एरा को डेट बैक करता है। सो बेसिकली जो नैबटियंस होते थे उस एरा के, वो उन्होंने एक वॉल्ड सिटी बनाई हुई थी बेसिकली, जिसका नाम अभी अलूला है। और जो जिस हिस्से में हम अभी हैं, दिस इज़ द ओल्ड सूक एंड दिस इज़ लाइक राइट एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। लेकिन जो नैबटियंस थे वो रहते थे ऊपर। हमारे पीछे इस वक्त अंधेरा है बट ऊपर बिल्कुल माउंटेन्स हैं और वो उन गारों में रहते थे और उसकी वजह से उनको फ्लड्स इफेक्ट नहीं करते थे बिकॉज बैक इन द डेज, जैसे अभी तो ये सहरा है लेकिन बैक इन द डेज यहाँ पे पानी होता था और ओएसिस होता था। सो बारिशें भी बहुत होती थी, फ्लडिंग भी बहुत होती थी, लेकिन बिकॉज वो ऊपर रहते थे इट वुडन अफेक्ट देम। एंड ओवर हियर बिहाइंड मी, यहीं सूक में इन्होंने अलग अलग पोर्शन ऐसे बनाए हुए हैं जैसे बिल्कुल उसी एरा को डेट बैक करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत खूबसूरत हेड पीस और बेल्ट, अरबिक बेल्ट मिल रही हैं। तो बैक इन द डेज ये जो इंसेंस रोड थी, अरेबियन जो रूट था, यहाँ पे स्पाइसेस, सिल्क, लग्जरी आइटम्स मिलते थे। तो अभी उसी चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने प्रिजर्व करके दिखाने की कोशिश की, जैसे कार्ड्स बने हुए हैं, उन कार्ड्स पे अलग अलग चीज़ें, सोना मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ रियली नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेडिशनल सऊदी वुमेन का हेड पीस है आई थिंक, यही सूप पे मिल रहा है। एंड इट लुक्स सो नाइस। और बेबी बेबी, ओके ओके, अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोकल्स यही कहते हैं कि काफ़ी मिट्टी और ब्रिक्स जो यूज़ हुई हैं वो अभी तक पुराने 2000 साल पुरानी वाली ब्रिक्स हैं, विच इज़ क्रेजी। इट इज़ सो एंशंट एंड इट इज़ सो वेल प्रिजर्व्ड। वापस जा रहे हैं ओल्ड टाउन से अपनी गाड़ी तक और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम एक ऐसी ट्रेन में है जो एक ड्राइवर के बगैर चल रही है। सो दिस इज एक्चुअली अ सेंसर ऑपरेटेड मिनी ट्रेन और बहुत ही कूल है। आप वहाँ खड़े होते हैं 2 मिनट और फिर एकदम ये आ जाती है एंड इट इज सो कूल। और एक सेफ्टी ऑपरेटर भी मिसेज खड़ी हुई है।